दोस्तों, ये है मेरे हाथ में RGB मल्टी कलर LED ट्यूबलाइट, जिसे मैंने खुद से ही अपने घर में पुराने LED ट्यूबलाइट से बनाया है। यदि आप इस तरह का RGB ट्यूबलाइट मार्केट में खरीदेंगे तो ये आपको लगभग 350 से 400, 500 इस तरह का मिलेगा। लेकिन आप चाहें तो यदि आपके घर में कोई खराब ट्यूबलाइट पड़ा है तो आप उस खराब ट्यूबलाइट से मात्र 15 से 20 रुपये में ही RGB वाला ट्यूबलाइट बना सकते हैं। देखिए, ये मेरे पास हाफ मीटर का ट्यूबलाइट, तो आप जितना लंबा RGB LED ट्यूबलाइट बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से आप ले लीजिए। मेरे पास हाफ मीटर वाला है तो मैं यहाँ पर इसी को RGB ट्यूबलाइट में बदलूंगा। तो चलिए देखते हैं कि RGB ट्यूबलाइट बनाने के लिए हमें कौन कौन से सामान की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले नंबर पे तो हो गया घर में पड़ा कोई LED ट्यूबलाइट। वो ट्यूबलाइट बेशक ख़राब हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके अंदर का जो सामान है उसका हमें कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि इसके अंदर जो ड्राइवर है इसका हमें कोई काम नहीं है, तो इसे हमें निकाल कर फेंक देना है, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, इसके अंदर में जो LED स्ट्रिप लगे हैं उनका भी हमें काम नहीं है, तो इसे भी निकाल कर हम बाहर फेंक देंगे। ठीक है, देख सकते हैं इन दोनों का हमें कोई काम नहीं है। इसके अलावा और कौन कौन सामान चाहिए? देखिए, मेन आइटम तो ये है, ये है 3 वोल्ट से लेकर 5 वोल्ट से जलने वाला RGB LED बल्ब। इसे मैं आप लोगों को चेक करके दिखाता हूँ ये कैसा जलता है। देखिए, ये इस तरह का जलेगा, जो कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक दुकान पे आपको 1 से 1.5 रुपये में एक पीस मिल जाएगा। कुछ पीस आपको ये चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हमें इस तरह का चाहिए चार्जिंग फीमेल सॉकेट। हालांकि हम चाहें तो इस LED स्ट्रिप पे ही इन LED को ऐसे लगा सकते हैं, लेकिन इसमें इसको लगाना थोड़ा सा झंझट वाला काम है। तो मैं आप लोगों को बिल्कुल सिंपल काम बताता हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, इस तरह का कोई कॉपर वाला वायर ले लेना है। यदि आपको कॉपर वायर नहीं मिलता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहें तो नॉर्मल वायर ले सकते हैं। लेकिन इसमें एक दिक्कत होगा कि जब हम इसमें LED लगा देंगे तो सभी LED एक डायरेक्शन में नहीं रहेंगी, वो किसी भी डायरेक्शन में घूम जाएंगी, क्योंकि वायर नरम होता है। देख सकते हैं ये LED को घुमा देगा, इसीलिए मैं यहाँ पर कॉपर वायर का यूज कर रहा हूँ। बस मात्र हमें इतने ही सामान की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अब चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम हम करेंगे, ये जो कॉपर वाला वायर है इसे खोल कर हम लंबा कर लेंगे, बिल्कुल सीधा और लंबा कर देंगे। और कितना लंबा करना है मैं आपको दिखाता हूँ। हमें वायर चाहिए यहाँ से लेकर, देखिए यहाँ से लेकर इसके लास्ट पॉइंट तक, यहाँ तक चाहिए। ठीक है, इसके हिसाब से हम इसे नाप लेंगे। देखिए ऐसे करेंगे और इसे खींचते हुए चले जाएंगे लास्ट पॉइंट तक, यानी यहाँ तक। ठीक है, और इतना लंबा लेंगे और इसे हम यहाँ पे कट कर देंगे। देखिए इस तरीके से हम इसे काट लेंगे और इसे बिल्कुल सीधा कर लेंगे। अभी हल्का फुल्का टेढ़ा है तो इसे हम सीधा कर लेते हैं। और ये कॉपर वायर हमें 2 पीस चाहिए, एक पीस से काम नहीं बनेगा। तो जितना बड़ा ये कॉपर वायर है उतना ही बड़ा कॉपर वायर एक और इसमें से काट लेंगे, बिल्कुल बराबर काट लेंगे। देखिए हमने यहाँ पे 2 कॉपर वायर ले लिया है। अगला काम हम करेंगे इन कॉपर वायर में LED को लगाने का। यदि आप इस LED को ध्यान से देखेंगे तो LED के अंदर में 2 पत्तियां बनी है, एक चौड़ी पट्टी है एक पतली पट्टी है। तो जिस साइड में चौड़ी पट्टी है उधर माइनस होता है, और जिधर में पतली पट्टी है उधर प्लस होता है। इससे भी आप पहचान सकते हैं कि इसमें प्लस माइनस कौन सा है, या फिर LED के कांटों से भी पहचान सकते हैं कि प्लस माइनस कौन सा है। जो कांटा बड़ा होगा वो प्लस होगा, जो छोटा होगा वो माइनस होगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से ही हमें इसमें कनेक्शन करना है। हालांकि जितने भी LED हैं सभी के लेग थोड़े से बड़े हैं, तो इनको हम काट कर थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। देखिए इतना हम बिल्कुल इतना छोटा करेंगे, ज़्यादा हमें बड़ा नहीं करना है। हालांकि हमने काट दिया तो ये बराबर हो गए, तो अभी हम कांटों से नहीं पहचान पाएंगे कि प्लस माइनस कौन सा है, लेकिन इसके अंदर में हम देख कर पहचान जाएंगे कि LED का कौन सा कांटा प्लस है कौन सा माइनस है। इधर देखिए चौड़ा पट्टी है तो ये माइनस है, इधर का पतला पट्टी है तो इधर वाला प्लस है। इन दोनों कांटों को हमें इस तरीके से मोड़ देना है, एक दूसरे के अपोजिट साइड में इस तरीके से मोड़ देना है। तो इसी तरीके से हम लगभग 10-12 LED को काट कर रख लेते हैं। देखिए लगभग हमने यहाँ पे 12 LED ले लिया है और सभी LED के कांटों को काट कर थोड़ा सा छोटा कर लिया है। अब इसे हम रखते हैं यहाँ पे। अब हम कॉपर का एक वायर लेंगे और इसके यहाँ पे थोड़ा सा छोड़कर यहाँ पे ब्लेड की मदद से इस तरह से खुरच देंगे। ठीक है, जब तक हम इसमें खुरचेंगे नहीं, जब तक हम खुरचेंगे नहीं इसमें रंगा काम ही नहीं करेगा, हमें हल्का सा इसमें खुरचना ही पड़ेगा।
अब हम इसमें सोल्डिंग आयरन से रंगा लगाते हैं और देखते हैं कि रंगा पकड़ता है कि नहीं। देखिए यहाँ पर रंगा पकड़ लिया है, ठीक है। तो हम एलईडी के प्लस वाले कांटे को हम पहले जोड़ देंगे इसमें। देखिए एक एलईडी हमने यहाँ लगा दिया, अब लगभग 3 अंगूर का गैप करेंगे अपने अंगूर से। यहाँ से देखिए 3 अंगूर मतलब यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक गैप करेंगे। अब एक एलईडी हम यहाँ पर लगाएंगे। आप अपने हिसाब से एलईडी लगा सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, या फिर और भी गैप कर सकते हैं। मैं यहीं पीछे लगा देता हूँ। पहले हम इसमें रंगा लगा लेंगे। देखिए खुरचने के बाद रंगा कितना आसानी से इसमें पकड़ ले रहा है। अब इसमें भी हम एलईडी का प्लस वाला कांटा जोड़ेंगे। देखिए पतली पट्टी इधर है तो इधर प्लस है, तो हम इसके हिसाब से हम इसमें जोड़ देंगे। देखिए हमने यहाँ पे 2 एलईडी लगा दिया है, सेम इतना ही गैप करके तीसरा एलईडी लगाएंगे, यानी तीसरा एलईडी हम यहाँ पे लगाएंगे। अब इसी तरीके से हम पूरे वायर में एलईडी को लगा देंगे। जितना हमने गैप किया है उतना ही गैप करते जाएंगे और सभी एलईडी को इसमें तार में लगाते जाएंगे, ठीक है। तो सभी एलईडी को लगाकर फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने सभी एलईडी को इस वायर में इस तरीके से जोड़ दिया है। सभी एलईडी का जो प्लस वाला कांटा है अभी हमने इस वायर में जोड़ दिया है, और माइनस वाला कांटा अभी खाली है। तो माइनस वाले कांटे में हम इस दूसरे वायर को जोड़ेंगे। हमें सेम इसी तरीके से जोड़ देना है, इसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। देखिए ऐसे जोड़ देंगे। अभी जो दूसरा एलईडी है इसमें भी हम इस तरीके से सोल्डिंग करेंगे। देखिए 3 एलईडी को हमने जोड़ दिया है, सेम इसी तरीके से बाकी जितनी भी एलईडी हैं सभी को हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने सभी एलईडी को सही प्रकार से कनेक्ट कर दिया है, आप देख सकते हैं, और सभी एलईडी को हमने पैरेलल कनेक्ट किया है, यानी सभी एलईडी का प्लस वाला हिस्सा हमने ऊपर में रखा है और माइनस वाला नीचे रखा है। अब एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं कि सही प्रकार से जल रही है कि नहीं। यहाँ पर हमने मोबाइल के चार्जर का डेटा केबल लिया है और इसके आगे वाले हिस्से को काट दिया है। अब हम प्लस में प्लस और माइनस माइनस इस तरीके से टच करेंगे। देख रहे हैं ये सभी एलईडी सही प्रकार से काम कर रही हैं, बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके कैप में देखिए ये डिफ्यूजर है, इसके इस वाले हिस्से में हमें लगाना है चार्जिंग सॉकेट को, ठीक है। इसमें हमें यहाँ पे छेद करके और इस तरीके से यहाँ पे लगा देना है। और इसे छेद करने के लिए हम क्या करेंगे, इस सोल्डिंग आयरन का यूज़ करेंगे। छेद करने के बाद इसमें हमें इसे इस तरीके से लगा देना है। और इस चार्जिंग सॉकेट में हमने पहले से ही प्लस माइनस का 2 तार जोड़ लिया था। अब इन 2 तार को हम क्या करेंगे, यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर जोड़ देंगे। देखिए इस तरीके से इसमें जोड़ देना है। आप देखिए ये डिफ्यूजर लेना है और डिफ्यूजर में हमें शुरू से लास्ट तक सभी एलईडी को डाल देना है। देखिए डिफ्यूजर के अंदर हमने इसे डाल दिया है, लेकिन ऐसे यदि रहेगा तो ये हिलता रहेगा। तो इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे चिपका देंगे। और चिपकाएंगे क्या चीज़ से, मेरे पास डबल साइड टेप है, उसी से हम इसे चिपका देंगे, ठीक है। देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट चिपक गया है। अब हम इस कैप को भी इस तरीके से इसमें बंद कर देते हैं, ठीक है। देखिए एक साइड का कैप हमने लगा दिया है, इधर भी हमें डबल साइड टेप लगाना है। यदि हम डबल साइड टेप नहीं लगाएंगे तो ऐसे हिलता रहेगा। अब हम इस साइड वाला कैप भी इस तरीके से इसमें लगा देते हैं। अब चलिए इसे हम चेक कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये चार्जिंग सॉकेट है, इसमें हम चार्जर के पिन को लगाएंगे। देखिए दोस्तों है ना कमाल का, इसे आप बिल्कुल हाथ में ले सकते हैं, और या फिर आप चाहें तो दीवार वगैरह पर कहीं भी इसे टांग सकते हैं। तो ये RGB ट्यूबलाइट बनाने में मात्र हमें 15 से 20 रुपये का खर्च आया है। यदि आप इसी तरीके का RGB मल्टी कलर LED ट्यूबलाइट मार्केट से खरीदते हैं तो लगभग 300 से 350, 400 ऐसे मिलेगा, जबकि हम चाहें तो इसे बिल्कुल सस्ते दाम में घर पे ही बना सकते हैं। तो ये होममेड RGB मल्टी कलर ट्यूबलाइट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं इसी प्रकार की एक और जुगाड़ वाली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।